दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम का हलवा। मैंने 20 बादाम को 8-7 कंद के भिगो के रखा था और अब इनको छील लिया है। और 100 ग्राम गेहूं का मोटा आटा लिया है, 100 ग्राम चीनी ली है और घी लेंगे। अब बादाम को हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये देखो, मैंने पीस लिया है बादाम को, पेस्ट बना लिया है। और आधा लीटर पानी लेंगे, इसे उबाल लेंगे और बादाम को अभी थोड़ा घी में फ्राई करेंगे 5 मिनट। कढ़ाई में घी डालेंगे और ये जो बादाम का पेस्ट है उसे थोड़ी देर 5 मिनट भून लेंगे। अब हम इसे 4-5 मिनट भूनेंगे, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए ब्राउन, तब तक भूनेंगे। सारी बादाम भून गई है, ज्यादा नहीं भूनेंगे, 2 मिनट खाली भूनेंगे। अभी गैस बंद कर देंगे और उसे निकाल लेंगे। फिर अभी आटा भूनेंगे, पैन में घी डालेंगे, आटा डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन पकाएंगे। हमारा आटा भुन गया है, मुझे इसे भूनने में 5 मिनट लगे हैं। अब ये आटा हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे, बादाम वाली में। ये आटा बादाम में डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमारा हलवा बनके तैयार है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।